आदरणीय हमारे बीच में आपके लोक लाडले करण अर्जुन की जोड़ी भाई जीवाराम एंड दनाराम, माननीय सम्मानित मंच सामने बैठे हुए सांचौर तहसील के चितरवाड़ा तहसील के सांचौर विधानसभा के हमारे प्यारे मुंगे मेहमान मतदाताओं, साथियों, आपने सुना है, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि टिकट कैसे मिली, क्यों मिली, किस कारण से मिली, उस कैसा धोखा हुआ, उस संबंध में मैं नहीं जाऊंगा, आपको सब पता है साथियों। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि एमपी साहब ने टिकट तो ला दी, लेकिन जनमत उसके साथ में नहीं है। एमपी साहब की गांव के अंदर गाड़ियां जाती है, लोग दूर दूर तक भाग जाते हैं, लोगों को ऐसा भ्रम पैदा हो गया है, कहीं हमको देख लिया तो मीटिंग के अंदर बुला लेंगे। साथियों, मैं एमपी साहब के कार्यकाल के विकास के बारे में बात करूंगा। आपने सुना होगा, ओथी गांव खोले ली दू तो ओथी गांव खोदरे मैं सोड़ा है, अजू पग नहीं मारिया है, आती गांव कभी विकास करे कभी मोटो था से भाई, आप 15 साल हुआ प्रा एमपी साहब रो विकास, नेशनल हाईवे नंबर 68 90 करोड़ का बजट कहां गया, हर 6 महीने 3 महीने के अंदर नेशनल हाईवे टूट जाता है साथियों, गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आपका वोट खराब मत करना, आपका वोट जीत में भागीदारी हो, सांचौर में सुशासन में भागीदारी हो, भ्रष्टाचार मुक्त में भागीदारी हो, कानून व्यवस्था में भागीदारी हो, उस संबंध को मद्देनजर रखते हुए भाई जीवाराम जी के पक्ष में मतदान करना चाहती हो। हमेशा ही हर चुनाव के अंदर प्रवासियों द्वारा माहौल बनाया जाता है, विरोध का बंटोर और समर्थन का जो वावाजोड़ा कहो, पक्ष का जो माहौल को वो आपके प्रवासियों के द्वारा बनाया जाता है साथियों, हम लगातार देखते रहे। जहां जहां आपने जिसका समर्थन किया है वो आपका व्यक्ति हमेशा नैया पार गया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, की बार माहौल है, लोहा गर्म है, उनके ऊपर हथौड़ा मारने की आवश्यकता है। आज हर गली के अंदर जाओ, हर गांव के अंदर जाओ, हर दुकान के अंदर जाओ, आप जहां भी जाओगे लोग कहेंगे तो अब की बार तो हमारी जेडी पार्टी है भाई, कांग्रेस को छोड़ो, भाजपा के जो षड्यंत्रकारी उनको भी छोड़ो, लेकिन हमारी पार्टी जेडी पार्टी है, अब की बार तो जेडी की नैया पार होगी। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आप आने वाली 25 तारीख को भाई जीवाराम बन करके, भाई दानाराम बन करके,
गली में हर बूथ को, हर गांव के हर घर के अंदर अपने बुड्ढे माँ बापों को, पड़ोसियों को समझा करके, गाड़ियों में बिठा करके 25 तारीख को भारी मतदान करना है। उसमें सांचौर में के विकास के अंदर आपकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है साथियों। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आज आपकी भावना, आपका मनोबल और आज के जो जरूर और जोश आपके युवाओं का चेहरा कहता है कि साथियों सांचौर के अंदर ये जेडी पार्टी जीतेगी। भाई श्री जीवाराम जी विधायक बनेंगे, आपके हर सुख दुख के अंदर साथ बनेंगे और ये हमेशा जीवाराम जी, गंगाराम जी आपके बीच में रहेंगे, ये सब सारे कार्यकर्ता बीच में रहेंगे, जो भी काम हो इनको बढ़ाना आपका काम हमेशा पूर्ण होगा। जय हिंद, जय भारत।